हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, बुधन आ चुका है जब हमारे बोर्ड के एग्जाम कल से स्टार्ट होंगे, और पहला ही पेपर फिजिक्स का है। तो उसके लिए बच्चों, मैंने और प्रश्नों को सॉर्ट किया है लास्ट में, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 12-15 घंटे बचे हैं। तो मैंने इससे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, उसमें 35-40 प्रश्न हैं, शायद 30-35 कुछ होंगे। वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो प्रश्न नहीं कर पाए तो मैंने और शॉर्ट लिस्ट किए हैं करीबन 12 क्वेश्चन, सब 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। अगर एक दो क्वेश्चन ही फंस गए तो आप लोग इनमें से पास हो जाओगे, और बहुत संभावना है, क्योंकि एक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोर्ड का पैटर्न है कि वो कुछ क्वेश्चनों को रिपीट करता है बार बार, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो जाने से पहले बच्चों, आप लोग एक बार इनको देख लीजिए, मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। और दूसरा ये कि जैसे ही पेपर छूटेगा तो 12 बजे हम बिल्कुल लाइव आ जाएंगे और पूरा पेपर लाइव सॉल्व कराएंगे आपको फिजिक्स का। तो चैनल में बने रहिए, जैसे ही पेपर दे के आए आपको क्लास लाइव मिलेगी और पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। फिजिक्स का ही नहीं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सभी के पेपर आपको ऑनलाइन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि अगर हम पहले पार्ट में आकर देखते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है इस साल आने के लिए। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। आपको नंबर एक पे सीओ करना है। मैंने पहले पार्ट में से 3 क्वेश्चन लगाए हैं क्रम से, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे यही लगाने हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑब्टेंड द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, अगर अक्ष पे नहीं आता है तो हमें निरक्ष वाला डायरेक्शन मिलेगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, और एक विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूमेंट, डेराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं आए तो तीसरे नंबर पर फिर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अगर उसने गाउस के नियम में से फिर दिया तो इस साल आने की संभावना है तार की। स्थिर विद्युत की में गाउस का नियम लिखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। स्टेट गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। ठीक है, जो पहला चैप्टर क्या है, सभी का याद है, सभी का पक्का होता है। ये तीनों क्वेश्चनों को बिल्कुल हम देख सकते हैं। इसके बाद मैंने थर्ड चैप्टर में से एक क्वेश्चन उठाया, बस एक अगर कोई बोलता है हमेशा इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो यही होता है। किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। जो ये वाला डायरेक्शन पी अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस, ये वाला डायरेक्शन करना है। ऑब्टेंट नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंसिंग स्टेट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ड्रॉ नेसेसरी सर्किट डायग्राम। ठीक, इसके बाद फोर्थ चैप्टर है, उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, फोर्थ चैप्टर चैप्टर में से तो बायो सेवर्ट नियम का सूत्र सदिश रूप में लिखिए, किसी धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये वाला जो है ना, वृत्ताकार पास वाला, ये वाला, ये कॉइल की रेडियस आर है, एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू, कोष्टक में लिखते हैं अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ये वाला डायरेक्शन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द फार्मूला ऑफ बायो सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ऑब्टेंट एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। इसके बाद है एम्पियर का परपतीय नियम, गणितीय रूप में लिखिए, किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। राइट एम्पियर सर्किटल लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। तो ये फोर्थ चैप्टर में 2 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं। फिर इसके बाद सेवन चैप्टर,
सेवन चैप्टर में से भी दो क्वेश्चनों को जो मैंने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ी एक श्रेणी आर एल सी परपथ में के लिए सदिश चित्र फेजर चित्र बनाते हुए परपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ड्रॉ वेक्टर डायग्राम फेजर डायग्राम फॉर ए सीरीज आर एल सी सर्किट विच इज कनेक्टेड विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एंड डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इसी में से बच्चों मैंने एक और डेरिवेशन लिया है, प्रत्यावर्ती धारा में औसत शक्ति का सूत्र, ये वाला शक्ति गुणांक की परिभाषा लिखिए और एक प्रत्यावर्ती परपथ में औसत शक्ति का सूत्र स्थापित कीजिए। एक शुद्ध धारितीय परपथ में शक्ति को वक्र के द्वारा दर्शाइए। ठीक है बच्चों, और इसमें एक शुद्ध धारितीय परपथ में शक्ति को छह वक्र के द्वारा बताइए। फिर इसके बाद हमने नाइन्थ चैप्टर में से एक दो प्रश्न उठाए हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन और एक क्वेश्चन नंबर टेन। नाइन वाला क्वेश्चन यह है कि प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए किसी वक्रीय गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन हेतु बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरी माध्यम के अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या के पदों में संबंध एन टू अपॉन बी माइनस एन वन बटे यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपॉन आर की स्थापना कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। डिफाइन रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट फॉर द रिफ्रेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। स्टेबलाइज द रिलेशन एन टू अपॉन बी माइनस एन वन बटे यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपॉन आर इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर ड्रॉ नेसेसरी रे डायग्राम। ठीक है, और अगला है प्रिज्म वाला डिवीजन है। इसमें यह क्वेश्चन भी अच्छा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। इसके लिए दो शर्त लिखिए, एक प्रिज्म के विचलन कोण डेल्टा एवं आपतन कोण आई के मध्य ग्राफ कीजिए। यदि प्रिज्म कोण ए बराबर ए हो तो म्यू, मतलब पहले कहीं जगह म्यू बोल देते हैं, कहीं इसको एन बोल देते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू संबंध को स्थापित कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोर की दो अभिग्रहता लिखिए। तीन अभिग्रहता है बच्चों, तीनों याद कीजिए, लेकिन दो पूछी गई कई बार तो मैं तो तीनों याद करनी है। राइट नील्स बोर एनी टू पोस्टुलेट्स फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके बाद मैंने थर्टीन चैप्टर में से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, ट्वेल्थ में से और थर्टीन में से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने। रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव छह का नियम लिखिए तथा संबंधित समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। रेडियो एक्टिव तत्व का छह वक्र बनाइए। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायुकाल एवं माध्यायुकाल का अनुपात लिखिए। इसमें मेन तो एक रदरफोर्ड सोडी का नियम है और छह समीकरण के प्रति ये वाला डेरिवेशन है, एन बराबर एन नॉट ई की घात माइनस लैम्डा टी। राइट रदरफोर्ड सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एंड डेराइव द रिलेशन इक्वेशन। ड्रॉ एक्सपोनेंशियल डिके कर्व ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बच्चों ये लास्ट में शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं 12 क्वेश्चन, और इनमें से बच्चों जरूर कोई ना कोई प्रश्न तो आपको बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको करने ही है, एंड टाइम पर ये क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। अगर आपने पहले वीडियो देखी है तो फिर उसमें तो 30-35 प्रश्न थे, उनमें से तो पसने ही पसने हैं, लेकिन उनमें से भी बेहतरीन क्वेश्चन है तो इनमें से ही बच्चों क्वेश्चन पसेंगे। ठीक है बच्चों, तो तैयारी कीजिए इन क्वेश्चनों की। तब तक के लिए धन्यवाद।